जब मैं तुम्हारे सामने आऊंगा तो दमदार फिल्में, गाने और वेब सीरीज की बौछार कर जाऊंगा, लेकिन अभी इसका जिम्मा किसी और ने उठाया है और नेटफ्लिक्स दमदार फिल्में और वेब सीरीज लेकर आया है जो कभी आपको हंसाएगी तो कभी आपको रुलाएगी और कभी आपको हॉट माल दिखाकर आपका खड़ा कर जाएगी। अरे तू लेकिन ये तो अभी शुरुआत है, अभी आगे आगे देखो होता है क्या, क्योंकि कहीं पानी तो कहीं आग बरसाई जाएगी और आपके मनोरंजन के लिए दुकान सजाई जाएगी जिसमें सबसे पहले आएगी हसीना जो निकालेगी आपका आगे, आप समझदार हो। काजल और कृति सनन, जिसमें कृति सनन दिखाएंगी अपनी अदाएं और काजल लगाएगी अपना दिमाग और आपकी खोपड़ी पर गन, क्योंकि काजल अग्रवाल और कृति सनन की एक फिल्म रिलीज होने वाली है जिसका नाम है दो पत्ती, जो कि एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म होने वाली है जिसमें कृति उड़ाएंगी आपके होश और काजल लगाएगी आपके घोड़े। चले तू। जिसके बाद अनुपम खेर जो लगाएंगे चश्मा और निकल पड़ेंगे सड़कों पर अपनी उम्र के बारे में बताने के लिए, जो कहेंगे अभी तो मैं जवान हूँ, क्योंकि अनुपम खेर की फिल्म 69 रिलीज होने वाली है जो उस व्यक्ति के बारे में होगी जो 69 की उम्र में ट्रायथलॉन प्रतियोगिता में भाग लेता है और जो सबको बता देता है कि उम्र है 55 की लेकिन सिस्टम है बचपन का। और ये फिल्म वरिष्ठ नागरिकों को प्रेरित करेगी जो शायद सोचते हैं कि अब बहुत देर हो चुकी है, अब तो उम्र बीत चुकी है, अब मेरे से कुछ ना हो पाएगा, तो इस फिल्म को देखने के बाद उठो बुजुर्गों और दौड़ पड़ो जब तक मौत ना आ जाए। जिसके बाद करिश्मा कपूर जो दिखाएंगी अपना करिश्मा और लगाएंगी हमारे चश्मा, समझ रहे हो? सारा अली खान, करिश्मा कपूर, डिंपल कपाड़िया, संजय कपूर, पंकज त्रिपाठी, टिस्का चोपड़ा, सुनील नैयर और तमन्ना भाटिया का आशिक विजय वर्मा, इन सभी की मर्डर मुबारक फिल्म रिलीज होने वाली है जिसमें पंकज त्रिपाठी एक पुलिस वाले का किरदार निभाएंगे और सारा अली खान को पटाएंगे, सॉरी मर्डर करने वाले का पता लगाएंगे। जिसके बाद फिल्म आएगी महाराजा जो हम सबका बजाएगी बाजा, सॉरी राइमिंग के लिए महाराजा बोल दिया, फिल्म आएगी महाराज जो खोलेगी हम सभी के राज, और तू क्या देख रहा है तेरे भी खोलेगी राज। चले तू। जो सच्ची घटनाओं से प्रेरित महाराज एक अविश्वसनीय डेविड बनाम गोलियथम कहानी है जिसमें एक नियमित व्यक्ति जो पेशे से पत्रकार है जिसे कई लोग अपने एक मसीहा के रूप में स्वीकार करेंगे। जिसके बाद आएगा चूजा मतलब वरुण शर्मा, सन्नी सिंह, मनजोत सिंह और जस्सी गिल जो अपनी फिल्म वाइल्ड वाइल्ड पंजाब लेकर आ रहे हैं। इस फिल्म की कहानी चार दोस्तों की होने वाली है जिसमें ये चारों दोस्त अपने एक दोस्त वरुण शर्मा की पूर्व प्रेमिका से बदला लेने का फैसला करते हैं, जो अब उस प्रेमिका के साथ साथ उसकी सहेली की भी लेंगे जिसने वरुण का दिल तोड़ा था। जिसके बाद फिल्म अमर सिंह चमकीला आएगी जिसमें दिलजीत दोसांझ अपनी प्यारी आवाज से परिणीति चोपड़ा के दिल को धड़काएंगे और फिर परिणीति चोपड़ा को अपनी सेटिंग बनाएंगे। फिर आएगी हसीना जो विक्रांत मैसी का दबा कर निकालेगी पसीना, क्योंकि इस हसीना के पीछे पड़े हैं तीन कमीने, विक्रांत मैसी, जिम्मी सोरंगील और सन्नी कौशल जो तापसी के पीछे लगे हुए हैं तापसी को फंसाने के लिए, क्योंकि ये एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म होने वाली है। जिसके बाद विजय वर्मा जो एक प्लेन में बैठकर आएंगे लेकिन वो प्लेन हाईजैक होगा, यानी एक और हाईजैक की कहानी पर एक वेब सीरीज रिलीज होने वाली है जिसका नाम होगा IC 814 दी कंधार हाईजैक, जिसमें नसरुद्दीन शाह, विजय वर्मा, दिया मिर्जा और कुमुद मिश्रा जैसे बड़े बड़े कलाकार इस वेब सीरीज में नजर आने वाले हैं। और ये वेब सीरीज 1999 में काठमांडू से इंडियन एयरलाइंस विमान के अपहरण पर आधारित है। जिसके बाद डब्बा कोर्टेल नाम की एक वेब सीरीज रिलीज होगी, और डब्बा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या, फायर है डब्बा कोर्टेल, जिसमें 5 सामान्य महिलाएं जो डब्बा डिलीवरी करती है लेकिन इन डब्बों में खाने के साथ साथ माल यानी ड्रग्स का व्यापार किया जाता है। फिर इसके बाद वेब सीरीज आती है मामला लीगल है, मंडला मटरस, ये काली काली आंखें, फैब्यूलस लाइव वर्सेस बॉलीवुड वाइब्स, मिसमैच, कोटा फैक्ट्री सीजन 3 और फिर कपिल शर्मा का शो दी ग्रेट इंडियन कपिल शो रिलीज होने वाला है। जिसके बाद एक बड़ी वेब सीरीज रिलीज होने वाली है जिसका नाम है दी हीरा मंटे डायमंड्स बाजार, जिसमें मनीषा कोराला, सोनाक्षी सिन्हा, अदिति राव, रिचा चड्ढा और संचिता शेख अहम भूमिका में नजर आने वाली है। और ये वेब सीरीज संजय लीला भंसाली की पहली वेब सीरीज है जिसने रामलीला पद्मावत जैसी
ब्लॉकबस्टर फिल्में बनाई है उसकी पहली वेब सीरीज रिलीज होने वाली है और ये सारे ही प्रोजेक्ट आपको नेटफ्लिक्स पर 2024 में देखने को मिलेंगे। तो तैयार हो, बोलो नेटफ्लिक्स जिंदाबाद, नेटफ्लिक्स जिंदाबाद, नेटफ्लिक्स जिंदाबाद, नेटफ्लिक्स जिंदाबाद। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो मुझे कमेंट में जरूर बताना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। फिर मिलते हैं कल नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जरूर मेरे दोस्तों, जरूर। थैंक यू। जो खोलेगी हम सभी के राज, और तू क्या देख रहा है, तेरे भी खोलेगी।